हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा आईफोन की स्पीकर के प्रॉब्लम के बारे में। वो प्रॉब्लम क्या है कि फ्रेंड, कभी कभी आपके आईफोन में जो पीछे के जो आगे के हमारे स्पीकर होते हैं उसमें क्या होता है, आवाज़ हमको कम सुनाई देती है, बिल्कुल लो सुनाई देती है, या फटी फटी सी आवाज़ सुनाई देती है। तो इसकी हम जो ये प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन क्या है फ्रेंड, जिसको हम बड़ी आसानी से इसको ठीक कर सकें। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप आईफोन यूजर हो या आप रिपेयरिंग वाले हो, अगर उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये बड़ी ईजी है, बड़ी आसान है, इसे आप नॉर्मली ठीक कर सकते हो। ठीक है, वो बताता हूँ मैं किस तरह से आप इसको बड़े आराम से बिना रिपेयर किए ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने फ्रेंड आपको बताया था कि आईफोन का जब रिंगर ख़राब होता है तो उसमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था। अब मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि अगर स्पीकर में आवाज़ कम आए तो क्या करना, क्योंकि फ्रेंड आजकल बहुत से फ़ोनों में होता है ऐसा है कि फ़ोन जब पुराने हो जाते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक ही इसमें आवाज़ कम आती है या फटी फटी सी आवाज़ आती है। ठीक है, या तो बिल्कुल ही स्लो आवाज़ आती है। तो इसको हम ठीक कैसे करें, तो ठीक है, तो चलिए आज इसी पर हम सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो हमारा स्पीकर यहाँ लगा होता है, स्पीकर पर जाली होती है एक तरह की। अगर आपको ऊपर ही ऊपर फ़ोन ठीक करना है तो इसके ऊपर जाली होती है, तो आप जाली के ऊपर यहाँ पे इसको क्लीन करिए। ठीक है, या किसी ब्रश से, तो ब्रश से, थिनर से, या किसी से हल्की सुई या चिमटी से इसको हल्के से यहाँ से स्क्रैच करिए। ठीक है, स्क्रैच करने के बाद आपको हल्का सा ब्रश मारना है, इसके ऊपर ब्रश मार लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे सुई या चिमटी से मैंने इसको स्क्रैच कर दिया। ठीक है फ्रेंड, स्क्रैच कर दिया हो तो इसके बाद आपको ना जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है उसको आप इससे क्लीन कर दीजिए, ऐसे क्लीन कर देना है। चाहे आपके पास 6 हो, 6S हो, 7 हो, 5 हो, 5S हो या एक्स भी हो, ठीक है, कोई सा भी फ़ोन हो, उसमें सिर्फ यही स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहले आपको चिमटी से आपको पहले यहाँ से क्लीन, जितनी भी धूल मिट्टी होगी फ्रेंड आपको सब साफ करनी है, कहीं से कोई कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो फिर आप इसको एक बार चेक करिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको आवाज़ में कोई फर्क नज़र ना आए, फिर भी वही सेम आवाज़ आ रही है, तो फिर आपको ये अंदर से ही साफ़ करना पड़ेगा। और जी फ्रेंड्स, वो साफ ही करना पड़ेगा, आपको कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। चेंज क्या करना है वो उसमें मैं आपको बताता हूँ, क्या आपको चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको इस फ़ोन को यहाँ से स्क्रू जो होते हैं हमारे वो खोलने हैं, आईफोन के टूल्स आते हैं उससे खोलना है। उसके बाद सारे जो आईफोन होते हैं फ्रेंड, याद रखना जो भी सारे आईफोन होंगे आपके, जो भी सब इसी साइड से ही सारे आईफोन खुलेंगे, यहाँ कहीं से भी नहीं खुलेगा, आपके सारे फ़ोन इसी साइड से खुलेंगे, क्योंकि यहीं पे इसका मेन लॉक तो होके दिया होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको ओपन करना है, एक साइड से इसको ही उठा लेंगे नखूनों से। ठीक है, ये तो फिर 6 खोलने बड़े आसान होते हैं। ठीक है, तो इसको अब नॉर्मली खोल लेते हैं, तो इस तरह से हमने खोल लिया। ओके, तो हमने ये फ़ोन को इस तरह हमने खोल लिया। तो यहाँ से देखिए, इसके जो हमारा ये मदरबोर्ड है, यहाँ पर बैटरी है, तो इसके यहाँ पर देखिए ये तो लगा हुआ है सेक्शन, ये हमारे स्पीकर का है। ठीक है, इस तरह का है। तो चलिए फिर हम खोल लेते हैं। तो अब आपका क्या करना है, इसमें इसके तो स्क्रू होते हैं फ्रेंड, वो आपको खोलने हैं। ठीक है, तो ये आपको स्क्रू यहाँ पे खुले, इनको पहले खोल लेता हूँ। आपको यही सब करना है फ्रेंड, कोई भी स्टेप आपको यही सब करना है। अगर जब भी आपको स्पीकर की आवाज़ कम सुनाई दे, सबसे पहले आपको ऊपर से सबको चेक करना है, अगर ऊपर के बाद ना ठीक हुआ हो फिर भी वही सेम क्वालिटी आ रही है, फिर आपको अंदर से इसको ठीक करना है। वो कैसे करना है उसमें मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ईजी स्टेप है। ठीक है, ये हमारी सीट है जो निकाल दी है, ये सीट सिर्फ फ्रेंड पत्तों को सपोर्ट करने के लिए होती है, बाई चांस फ़ोन वगैरह हमारे गिरते हैं तो ये पत्ते, अगर सीट नहीं होगी तो फ़ोन गिरेंगे तो ये पत्ते निकल जाते हैं या कैमरा हिल जाता है, कुछ भी हो सकता है, पत्ते हिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सीट लगाई जाती है। तो अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे फिंगर का पत्ता, टच का पत्ता, डिस्प्ले का पत्ता, ये सब हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमने खोल दिया, तो देखिए ये इस तरह का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सीट है, ये हमारी स्पीकर के और फ्रंट कैमरा का पत्ता, जो हमारा फ्रंट कैमरा, सेंसर, स्पीकर, वो तीनों इसी में ही होता है। तो उसका पत्ता मैक्सिमम जो है फ्रंट जो है कि वो ये वाला है, ये पत्ता जिस तरह का बना हुआ है, इसमें एक डॉट बना हुआ है। ठीक है, ये हमेशा इसका ही होता है। तो देखिए आपका करना है, आपको यहाँ से तीन, ये 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 स्क्रू होते हैं, इन 3 स्क्रू को आप आराम से इसको खोल लीजिए, यहाँ से खोल लेते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप बता रहा हूँ, इसमें कोई भी फ्रेंड दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं होता, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ से इसको हम इस तरह निकाल लेंगे, ये सीट है। ठीक है, ये सीट हो गई, और ये हमारा हो गया फ्रंट कैमरा का पत्ता, ये हमारा हो गया स्पीकर। तो इस तरह का हमारा कुछ स्पीकर हमारा दिखाई देता है। तो हमें इसके अंदर चेंज करना क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं चेंज अप करना क्या है। तो चेंज करने के लिए फ्रेंड आपको स्पीकर कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो स्पीकर है हमारा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये तो स्पीकर है,
तो ये जो स्पीकर है फ्रेंड, स्पीकर में यहाँ पे जो जाली है इसको पहले क्लीन अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ठीक है। इसे क्लीन करने के बाद क्या करना है आपको, एक चीज़ चेंज करनी है और वो है इसकी जाली, ठीक है। तो फ्रेंड जो इसकी जाली होती है इसके अंदर यहाँ पे जो डिस्प्ले होती है इसमें यहाँ पे जाली लगी होती है, फिलहाल ये भी निकली हुई है वैसे किसी तरह से। मैं आपको एग्जांपल आपको सिखा रहा हूँ कि आपको चेंज करना क्या है, ठीक है। आपको यही सब चीज़ें चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखिए जाली होती है, इधर जो दिखती है आपको जाली वो है, लेकिन इसमें चिपकी हुई है जाली, ये वाली आपको दिख रहा होगा, ये जो जाली है फ्रेंड ये जो होती है ये जाली इसकी होती है। मैं इसको यहाँ निकालता हूँ, तो देखिए इस तरह की इसमें लगी होती है। तो जो दिख रहा है आपको आगे ठीक साइड में ये जाली, तो इस तरह कुछ आप डिस्प्ले लोगों खाली ये निकालोगे फ्रेंड कैमरा तो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी जाली। तो क्या करना है आपको, इसके अंदर क्लीनिंग करनी है, इसके अंदर यहाँ पे क्लीनिंग करनी है और इसके अंदर क्लीनिंग करनी है, ठीक है। इन दो पे आपको क्लीनिंग करनी है। फिर भी मैं आपको बताऊँ, क्लीनिंग करने से भी फ्रेंड बहुत सी चीज़ें जो आवाज़ सही नहीं होती, तो क्या करना है इस जाली को आपको चिमटी या ब्लेड से हल्के हल्के हाथों से इसको निकालना होगा। यहाँ से निकालने के बाद आपको ये जाली ऐसे कुछ दिखाई देगी, ठीक है, कुछ इस तरह की जाली आपको दिखाई देगी, ये होती है स्पीकर की जाली, ठीक है। तो आपको इसको अलग से निकाल के या तो आप अच्छे से इसको क्लीन करिए, ब्रश से इसको क्लीन करिए, हर जगह से थिनर वगैरह डाल के अच्छे बिल्कुल साफ कर दीजिए, या तो आप नई जाली लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नई जाली आपको कहाँ से मिलेगी, नई जाली आप या तो किसी पुराने डिस्प्ले से निकाल लीजिए जो पड़ी हो, कॉपी वगैरह कोई भी हो, या तो मार्केट में इसके स्पीकर के पत्ते पूरे आती हैं, सीट आती है, बहुत सारे स्पीकर लगे होते हैं 100-200, आप वो ले लीजिए, बहुत काम की चीज़ें फ्रेंड, आप इसको ले लीजिए। तो स्पीकर को बाद इसमें आप स्पीकर ठीक करने के लिए आपको यही जाली आपको दोबारा इसमें लगा देनी, चाहे आप न्यू जाली लगा दें, न्यू जाली लगाएं, या फिर इसी जाली को आप ठीक करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसको इसमें पैक कर देना है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से आपको लगाना है, ये स्पीकर इस तरह से पैक करना है, जो पॉइंट गोल्डन है ऊपर रहेंगे, इस तरह से आपको जाली लगा देनी है, ठीक है। तो वैसे फ्रेंड मैं आपको पता ही खोलना कैसे, बंद करना कैसे बंद करना है, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया 6 का, तो आपको 6 का इसी तरह से करना है, आपको इस तरह से करना है, आपको फिर इसके बाद इसको पैक कर देना है, ठीक है, इस तरह से आपको इसे फिर पैक कर देना है। तो ये हो गया 6 का, और आपको अगर 5S का करना हो तो 5S में आपको सेम स्टेप करना है, क्योंकि 5S के लिए आपको इसी जगह से आपको ओपन करना है फ़ोन को, इस तरह से फ़ोन को ओपन करना है, यहाँ से या चिमटी ले लीजिए। ऐसे फ्रेंड बहुत सा ऐसा होता है कि आईफोन 5S में ग्लास जो है कि हमारे वही ऊपर निकल आते हैं गलती से खोलने के वक्त, ठीक है, आप ऐसी गलती मत करिए। देखिए ग्लास, इसका ग्लास बाहर आ रखा है, ये वैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ इस फोन के अंदर, ठीक है। तो ये अब निकाल लिया, तो देखिए यहाँ पे जो होता है इस तरह का होता है स्पीकर, यहाँ पे सीट लगी हुई है। तो आपको जो स्टेप आपने आईफोन 6 में किए हैं वही स्टेप सेम आपको इसमें भी करने हैं, जैसा मैंने आपको स्टेप में बताया आईफोन 6 में, वही स्टेप आपको इसमें भी करना है 5S में, कोई कुछ अलग सिस्टम नहीं है, सेम सब कुछ है। तो आपको यही स्टेप आपको हर फोन में करने हैं, आपको स्पीकर की जाली ही चेंज करनी है। तो फ्रेंड आज का मेरे वीडियो यही था कि मैं आपको आईफोन की स्पीकर की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताऊं, और बड़ा इजी है ठीक करना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में रिंगर बताया था, और अब मैंने आपको स्पीकर की भी बता दी, तो दोनों में सेम चीज़ें हैं, कोई अलग नहीं है। तो आप इस तरह से आईफोन की स्पीकर को भी रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, और ये बड़ा आसान है, और बिना किसी रिस्क के बिना किसी टेंशन के आप इसको हेल्पफुली कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ सीखना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सब